हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन चेक से कुछ सेंटेंस, जैसे कि वह स्कूल जाता तो है ना, वह समय पर सोता है ना, तो तुम अंग्रेजी में बात नहीं करते हो ना, या फिर वह शराब नहीं पीता है ना, या ये पास्ट में वह तुमसे प्यार करता था ना, या फिर तुम झूठ नहीं बोलते थे ना, या वह तेज दौड़ता था ना, या फिर तुम उस पर मरते थे ना। फ्यूचर में जैसे कि तुम रोज जाओगे ना, या फिर अब तुम झूठ नहीं बोलोगे ना, या तुम मुझसे शादी करोगे ना, या फिर तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना। मीन्स जैसे कि एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर इस थ्री स्ट्रक्चर में इस वीडियो हम सीखेंगे क्वेश्चन चेक से, जैसे हम बोलते ना तुम मुझे मारोगे तो नहीं ना, या फिर तुम वहाँ जाओगे ना, तुम खाना खाओगे ना। तो जब हम इस क्वेश्चन को पूछते हैं क्वेश्चन चेक के थ्रू, तो जब हम इसको क्वेश्चन चेक के थ्रू बनाते हैं उसमें हमें एक चीज़ याद रखना पड़ता है, जैसे कि जब हम इसको क्या करेंगे क्वेश्चन चेक से बनाएंगे तो वहाँ पर हमें रूल याद रखना पड़ेगा जो हमारा सेंटेंस होता है। अगर हमारा सेंटेंस क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो जो क्वेश्चन चेक बनेगा वो क्या बनेगा निगेटिव। और अगर हमारा क्वेश्चन जो सेंटेंस है वो क्या होगा निगेटिव होगा, तो उसको हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं पॉजिटिव में। जैसे कि देखो एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, जैसे कि मैं एक सेंटेंस देता हूँ, जैसे कि ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय सेंटेंस कैसे है पॉजिटिव सेंटेंस है। जब हम इसको क्या करेंगे क्वेश्चन चेक में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा isn't he, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मींस ये जो हमारा सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हमेशा क्वेश्चन चेक में क्या होता है, जो सेंटेंस है अगर पॉजिटिव होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, एंड इफ दैट इज नेगेटिव दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस उसको हमने किसमें कर दिया निगेटिव में। अगर यही सेंटेंस क्या होगा निगेटिव में होगा, जैसे कि ही इज नॉट अ बॉय मीन्स वह एक लड़का नहीं है। अब सेंटेंस कैसा है निगेटिव, तो क्वेश्चन चेक विल बी पॉजिटिव, जैसे कि इज ही और लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जब भी हम इस प्रकार के सेंटेंस को बोलेंगे जैसे कि तुम स्कूल जाते हो ना, तो मीन्स यहाँ पर सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव है, लेकिन वह शराब नहीं पीता है ना, तो कैसा सेंटेंस निगेटिव है। तो जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन चेक क्या बनेगा निगेटिव में बदलेगा, और अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो पॉजिटिव में बदलेगा। जैसे कि यहाँ पर ही इज अ बॉय सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव, हमने कर दिया इजंट ही निगेटिव में, और ही इज नॉट अ बॉय मीन्स सेंटेंस कैसा है निगेटिव, इज ही हमने कर दिया उसको पॉजिटिव में। तो जब भी क्वेश्चन चेक से सेंटेंस बनाएंगे तो इस चीज को हमेशा याद रखना है। तो जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर नंबर वन है, तुम स्कूल जाते हो ना, वह समय पर सोता है ना, या फिर तुम अंग्रेजी में बात करते हो ना, या वह शराब नहीं पीता है ना, तो क्या सेंटेंस जो है पूरे पूरे किससे हैं प्रेजेंट टेंस हैं। तो जब हम इस प्रकार के सेंटेंस को बनाएंगे तब हम उसे बोलेंगे जैसे कि तुम स्कूल जाते हो ना, तो सेंटेंस को सबसे पहले हम लिखेंगे यू गो टू स्कूल। यू गो टू स्कूल मीन्स तुम स्कूल जाते हो। ठीक है, और ना के लिए हम क्या लगाएंगे, जैसे कि क्या है कौन सा टेंस का है प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग क्या होता है डू नॉट या फिर डज नॉट, तो यू के साथ क्या लगाते हैं डू, तो हम लगाएंगे यहां पर डोंट यू, और लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। यू गो टू स्कूल डोंट यू दैट मीन्स तुम स्कूल जाते हो ना। सेकेंड सेंटेंस की वह समय पर सोता है ना, मतलब एक तो ऐसा सेंटेंस है कि हम उसे पूछ रहे हैं वह समय पर सोता है ना, मीन्स वह समय पर सोता है कि नहीं। ठीक है, तो क्या बनेगा वह समय पर सोता है, तो हम उसे बोलेंगे ही स्लीप्स ऑन टाइम। ही स्लीप्स ऑन टाइम मीन्स वह समय पर सोता है, और ना मतलब क्या है उसमें क्वेश्चन पूछे हैं, तो हम ही के साथ लगाते हैं डज, तो लगाएंगे उसको
doesn't he? End of sentence question mark. सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन टाइप में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। थर्ड सेंटेंस जैसे कि तुम अंग्रेजी में बात करते हो ना, मीन्स हम उसे पूछ रहे हैं कि तुम अंग्रेजी में बात करते हो कि नहीं, है ना, तब हम उसे बोलेंगे यू टॉक इन इंग्लिश डोंट यू, यू टॉक इन इंग्लिश डोंट यू, दैट मीन्स तुम अंग्रेजी में बात करते हो ना। लास्ट सेंटेंस की वह शराब नहीं पीता है ना, मीन्स यहाँ पर देखो ये सब सेंटेंस कैसे थे, पॉजिटिव थे, और ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। और मैंने पहले ही बताया जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा देन क्वेश्चन टाइप विल बी नेगेटिव, और जब हमारा क्या होगा सेंटेंस नेगेटिव होगा देन क्वेश्चन टाइप विल बी पॉजिटिव। जैसे कि वह शराब नहीं पीता है तब हम उसे बोलेंगे he does not drink, या फिर हम कह सकते हैं take wine, he does not drink wine means वह शराब नहीं पीता है, और ना के लिए क्या लगाएंगे does he, end of sentence question mark, means यहां पर क्या है sentence जो है हमारा negative है, इसलिए question tag किसका मतलब है positive बदला है, ठीक है। तो जब भी हमारा सेंटेंस कैसा होगा पॉजिटिव होगा देन क्वेश्चन टाइप विल बी नेगेटिव, अगर सेंटेंस हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा देन क्वेश्चन टाइप विल बी पॉजिटिव। तो जितने सारे हम प्रेजेंट के सेंटेंस होते हैं जैसे कि जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो तो प्रेजेंट में है ना, तो जैसे कि तो जब भी हमारा क्या होगा जितने सारे अगर हमें प्रेजेंट में सेंटेंस बोलना पड़ता है, जैसे कि तुम मुझसे बात करोगी ना, तुम मुझसे बात करते हो ना, तुम मुझसे झूठ बोलते हो ना, तो इस प्रकार के जब भी जितने सारे सेंटेंस हम प्रेजेंट में बोलेंगे उन सभी को हम इसी प्रकार से क्या करेंगे बनाएंगे। स्टूडेंट बच्चों जिसमें हम सीखेंगे पास्ट के क्वेश्चन टाइप्स को कैसे बोलते हैं, जैसे कि वह मुझसे प्यार करता था ना, या फिर तुम झूठ नहीं बोलते थे ना, या वह तेज दौड़ता था ना, या फिर तुम उस पर मरते थे ना। मीन्स जब हम कोई चीज पास्ट में जैसे कि पुराने समय जैसे कि हम स्कूल से चले जाते हैं कॉलेज, और कॉलेज से बहुत दिन बाद हम फ्रेंड लोगों से मिलते हैं तो पुरानी बातों को याद करके बोलते हैं ना कि तुम उस लड़की पे मरते थे ना, या फिर तुम झूठ नहीं बोलते थे ना लेकिन आजकल तुम झूठ बोलते हैं, या फिर वह तेज दौड़ता था ना, मीन्स पहले वो तेज होता था अब नहीं दौड़ता, मतलब पास्ट के सेंस में हम उसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इस प्रकार के सेंटेंस को बनाते हैं जैसे वह तुमसे प्यार करता था ना, मीन्स सबसे पहले हम क्या करें पहले सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे वह तुमसे प्यार करता था मीन्स पास्ट सिंपल टेंस बनाएंगे, तब हम उसे बोलेंगे ही लव्ड यू, ही लव्ड यू मीन्स वह तुमसे प्यार किया या फिर करता था, और फिर बनाएंगे हैव वर्ब क्या यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में डिड, तो हम लगा देंगे डिड डिडंट ही और क्वेश्चन मार्क, ठीक। He loved you, didn't he? That means वह तुमसे प्यार करता था ना। यहाँ याद रखना है जो पास्ट सिंपल टेंस होता है उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डिड, इसीलिए जैसे कि मैंने पहले बताया जो सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव है, इसलिए जो क्वेश्चन टाइप बना है वो कैसा बना है निगेटिव, और जब जो सेंटेंस है क्या होगा निगेटिव होगा तो जो क्वेश्चन टाइप होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे कि तुम झूठ नहीं बोलते थे ना, मीन्स हम किसी से बोल रहे हैं कि तुम पहले झूठ नहीं बोलते थे लेकिन अब झूठ बोलते हो ना, स्टेज हम पूछ रहे हैं। तो जब हम इस प्रकार के सेंटेंस बोलेंगे तो पहला सेंटेंस क्या है तुम झूठ नहीं बोलते थे, तब हम बोलेंगे यू डिडंट या फिर डिड नॉट लाई, मीन्स तुम झूठ नहीं बोलते थे, अब कैसे करेंगे हम डिड यू, ठीक है। अब जैसे यहाँ से जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यहाँ लिख देंगे और जो सब्जेक्ट है उसको लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, ठीक। सिंपल है जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है जिस टेंस का उस हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लगाना पड़ता है नॉट और फिर सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस कैसा होगा पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के सब्जेक्ट को लिखेंगे, अगर सेंटेंस कैसा होगा निगेटिव होगा तो सिंपल है हेल्पिंग वर्ब और सिर्फ सब्जेक्ट को लिखना पड़ता है। वह तेज दौड़ता था ना, तो सबसे पहले हमें लिखना है वह तेज दौड़ता था, तब हम उसे बोलेंगे He ran fast, ठीक है। He ran fast means
वह तेज दौड़ता था और ना के लगाएंगे हम didn't he. ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस की तुम उस पर मरते थे ना, तुम उस पर मरते थे मतलब जैसे कोई बोलते हैं जब बहुत ज्यादा प्यार करता था तुम उस लड़की पे मरते थे, तो जब हम इस प्रकार का सेंटेंस बोलना है तब हम बोलेंगे यू डाई एट हर. यू डाई एट हर मीन्स तुम उस पर मरते थे. और फिर सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव, तो हम करेंगे डिडंट यू. दैट मीन्स तुम उस पर मरते थे ना. यू डाइड एट हर डिडंट यू दैट मीन्स तुम उस पर मरते थे ना. तो जितने सारे हमारे सेंटेंस जो पास्ट टेंस में है बोलना पड़ेगा तो सेम है अगर वर्ब के साथ है, जैसे कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म के साथ तो सिंपल डिडंट करके जो सब्जेक्ट है उसको लिखना है, और अगर आपने डिड नॉट करके दिया है तो सिंपल हेल्पिंग वर्ब डी और जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको हम वहाँ पर लिखेंगे. स्ट्रक्चर नंबर थ्री जिसमें हम सीखेंगे फ्यूचर के क्वेश्चन टेक्स्ट के सेंटेंस को कैसे बोलते हैं. जैसे कि तुम रोज जाओगे ना, जैसे मम्मी बच्चे से बोलती है ना कि तुम रोज इसको जाओगे ना बेटा ऐसे करके, तब हम कैसे बोलेंगे. या फिर अब तुम झूठ नहीं बोलोगे ना, या फिर तुम मुझसे शादी करोगे ना, या तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना. तो इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बोलेंगे. जब भी हम फ्यूचर में इस प्रकार क्वेश्चन टेक्स्ट के सेंटेंस बोलते हैं तब हम उसे बोलेंगे यू, जैसे कि तुम रोज जाओगे ना, तो सबसे पहले हम उसके लिए लगाएंगे यू विल गो डेली. फिर क्या करना है यू विल गो डेली दैट मीन्स तुम रोज जाओगे, और ना के लिए लगाएंगे हम जैसे यहाँ पर क्या है विल. और जब भी क्या करते हैं विल प्लस नॉट का जो स्टार्ट फॉर्म होता है वो बन जाता है वॉन्ट. ठीक है, तो जब यहाँ पर बोलेंगे यू विल गो डेली तो जब हम उसको क्या करेंगे निगेटिव क्वेश्चन टेक बनाएंगे तब हम उसे बोलेंगे वॉन्ट यू इन द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क. यू विल गो डेली वॉन्ट यू तुम रोज जाओगे ना. जब जैसे अब तुम झूठ नहीं बोलोगे ना, इन सब से बोलने की तुम अब झूठ नहीं तो बोलोगे ना पूछ रहे हैं, तब हम उसे बोलेंगे नाउ यू विल नॉट लाई मीन्स नाउ यू विल नॉट लाई मीन्स अब तुम झूठ नहीं बोलोगे, और ना जैसे क्वेश्चन पूछ रहे उसके लिए. अब यहाँ पर कैसा है सेंटेंस निगेटिव, देन क्वेश्चन टेक विल बी पॉजिटिव. इस चीज को कभी नहीं भूलना है. अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है देन क्वेश्चन टेक विल बी निगेटिव. इफ द सेंटेंस इज निगेटिव देन क्वेश्चन टेक विल बी पॉजिटिव. मीन्स सिंपल हमें करना है जो हमारा हैबिट वो क्या है विल, तो हम विल को लगा देंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट है यू तो यू को लिख देंगे, और इनका सेंटेंस क्वेश्चन मार्क. नाउ यू विल नॉट लाई मीन्स अब तुम झूठ नहीं बोलोगे, ना कि लगाएंगे विल यू. थर्ड सेंटेंस जैसे कि तुम मुझसे शादी करोगे ना, तो हम उसे बोलेंगे यू विल मैरी मी. यू विल मैरी मी मीन्स तुम मुझसे शादी करोगे, और यहाँ पर हम क्या करें उसे क्वेश्चन कर रहे हैं. ठीक है, तब हम उसके लिए क्या लगाएंगे वॉन्ट यू. यू विल मैरी मी मीन्स तुम मुझसे शादी करोगे वॉन्ट यू ना. ठीक है, सेंटेंस जैसे कि तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं, जैसे कि लड़के लड़की दूसरे प्यार कर रहे हैं तुम मुझे बीच में छोड़ोगे तो नहीं, या फिर फिल्म देखते हैं ना कि तुम मुझे बीच में छोड़ तो नहीं दोगे इस टाइप से बोलते हैं. तो जब हमें बोला कि तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं, तो सेंटेंस कैसा है निगेटिव वाला, तब हम उसे बोलेंगे यू विल नॉट लीव मी. यू विल नॉट लीव मी दैट मीन्स तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं. अब यहाँ पर ना के लिए क्या लगाएंगे विल यू. ठीक है, यू विल नॉट लीव मी विल यू दैट मीन्स तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना. तो जब भी हमें यहाँ पर याद रखना है जब भी फ्यूचर्स के क्वेश्चन टेक बोले सेंटेंस बोले तो एक चीज तो बता दिया कॉमन है कि अगर क्या होगा सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टेक विल बी निगेटिव, अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टेक विल बी पॉजिटिव. ठीक है, लेकिन तो इस प्रकार के जब भी आपको सेंटेंस बोलना पड़े जैसे कि तुम खाना बनाओगे ना,
मीन्स वहां पर हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं, तुम खाना बनाओगी ना या फिर तुम जल्दी आओगी ना। तो इस प्रकार के जब भी हम सिंस सेंटेंस बोलना पड़े तो सिंपल है, सबसे पहले हमें शुरू वाले सेंटेंस को सॉल्व करना है फ्यूचर सिंपल टेंस में, फिर अकॉर्डिंग टू अगर पॉजिटिव है तो वॉन्ट करके करना है सब्जेक्ट, और अगर निगेटिव है तो सिंपल जो है हमारे हैपन अगर विल, और फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको लिख देंगे। तो इस वीडियो में हमने सिखा प्रेजेंट सिंपल जैसे क्वेश्चन एक वाले सेंटेंस को कैसे बोलते हैं, जैसे तुम स्कूल जाते तो होना, या फिर वह समय पर सोता है ना, जो प्रेजेंट की क्वेश्चन एक वाले सेंटेंस होते हैं उसको कैसे बोलते हैं। सेकेंड में हमने सीखा कि जो पास्ट सिंपल टेंस के क्वेश्चन एक वाले सेंटेंस होते हैं उसे हम कैसे बोलते हैं, वह मुझसे प्यार करता था ना, या फिर तुम झूठ नहीं बोलते थे ना, इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बोलें। या फिर थर्ड स्ट्रक्चर में हमने सीखा तुम रोज जाओगे ना, या फिर अब तुम झूठ नहीं बोलोगे ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो हमारे फ्यूचर्स के क्वेश्चन टेक बेस पे बोले जाते हैं उनको हम कैसे बोलें। तो आई होप कि इन जो थ्री स्ट्रक्चर्स हैं मैंने जो आपको बताया आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल इंग्लिश गुरु एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल न्यू नोटिफिकेशन। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो विद न्यू टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।